श्री कृष्ण जय माता जी की। आज मैं बनाऊंगी तवा बैगन मसाला मैगी। मैगी तो बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन जब बैगन का नाम सुनते हैं तो दूर दूर भागते हैं। तो सेहत के लिए बैगन अच्छा रहता है। तो अभी विंटर के सीजन है तो बच्चों को हम खिलाना है। तो देखिए, मैं तो बच्चों को कैसे खिलाती हूँ, कैसे बनाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। आप भी आपको बच्चों के लिए बनाइए और खिलाइए। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। तो देखिए, मैं सबसे पहले दोनों मैंने 10-10 वाला मैगी लिया है, एक बड़ा सा बैगन लिया है बढ़िया सा। आगे जो जो डालूंगी वो पूरा आपको दिखाऊंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बनाने का तरीका शुरू करते हैं। दोनों पैकेट में से मैंने मैगी निकाल दी। मैगी निकालने के बाद मैंने थोड़ी ऐसे कर लिया है हाथों से। लंबी मैगी बच्चों के लिए आंतड़ में फंस सकती है, इसलिए मैंने ऐसा छोटा छोटा कर दिया है। गैस के ऊपर पानी रखा है। सबसे पहले मैगी को उबाल देंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे, हमारी मैगी डाल देंगे। मैगी को हमें पकाना है। प्याज, धनिया, टमाटर, लेमन, सूखी प्याज और ये बैंगन और लहसुन, ये सब इसके अंदर जाएगा। बारीक बारीक कट करेंगे। बैंगन को मैंने पहले वॉश कर लिया है, लेकिन हम कट करेंगे। सबसे पहले बैगन का हमें छिलका निकालना है। पानी के अंदर डाल देंगे। बैगन मैंने पूरा छील दिया है, छोटे से छोटा देखिए छिलका निकल दिया है। मैगी हमारी पक के रेडी है, छानने के अंदर ले लेंगे। सारा मैंने कटिंग करके रेडी कर दिया है। सूखा मसाला जो भी डालूंगी, जैसे भी बनाऊंगी, आगे आपको दिखाती हूँ। मैगी को मैंने ऐसे छाननी में निकाल दिया है। पानी ये हम यूज करेंगे। मैंने एक तवा लिया, तवे के अंदर मैंने तेल गरम रखा। तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद तो हम बैगन को तवे के अंदर फ्राई करेंगे। मैंने बैगन को कपड़े के अंदर लेके पूरा कर लिया है, पानी में से निकाल दिया है। देखो काला पानी हो जाता है, थोड़ा तेल गरम हो रहा है तो हम एक एक करके बैगन डाल देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे बैगन को। बैगन को हमें ऐसे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा के तलना है। मित्र आप देख सकते हो बैगन बहुत ही बढ़िया पक चुका है, दोनों तरफ से एकदम पिंक हो गया है। तो हमें गैस को बंद करना है, बैगन को बाहर निकाल देंगे। दोनों तरफ से देखिए बढ़िया सा पक के रेडी है। हम बैगन को सारे निकाल देंगे। बैगन मैंने पूरे निकाल दिए। बैगन को हम ऐसे चम्मच से कद्दूकस कर लेंगे। ये तेल में पके हुए बैगन होते हैं, टेस्ट बहुत ही सुपर आता है। अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे पूरा बैगन। ये अच्छे से कद्दूकस करने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन बहुत ही सुपर हो जाएगा। देखिए मस्त रेडी हो चुका है। कढ़ाई फ्रेश लिया है, 1 चम्मच सिंग तेल डाला है। अच्छे से गर्म होने देंगे। थोड़ी सी राई डालूंगी।
थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हिंग, डालीली मिर्ची, प्याज, एक कट लहसुन, दो नंग टिक्की वाली मिर्ची, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मैंने रख दिया है वो डालूंगी। कूटी हुई मिर्ची तीखी वाली आधी चम्मच, एक चम्मच कश्मीरी, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक। नमक मसाला आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। कभी बच्चे तीखा कम खाते हो तो मिर्ची कम डालना, हमारे घर पे बच्चे बड़े ही, इसलिए हमने मिर्ची का उपयोग किया है। प्याज को अच्छे से सौते करेंगे। अब देख सकते हो प्याज हमारी अच्छे से सौते होगी। इसके बाद डालेंगे हम टमाटर, टमाटर को थोड़ा पका लेंगे। टमाटर में थोड़ा अच्छे से पका लिया 2 मिनट। इसके बाद डालेंगे नमक, मिर्ची, हल्दी, मसाले को अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद डाल देंगे हम हरी प्याज, कद्दूकस किया हुआ बैंगन, इसके बाद डालेंगे हम हमारी मैगी, मसाले के अंदर थोड़ा सा मैगी वाला पानी डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे। मैंने 1 चम्मच पहले पानी डाला था, दूसरा फिर से 1 चम्मच करके डालती हूँ। ये थोड़ा सा पानी डालने में मैगी में मसाला बहुत ऊपर लगेंगे, देखिए। और डाल देंगे हम लेमन, मैं आधा लेमन निचोड़ के ले रही हूँ। अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद डाल देंगे हम हमारा मैगी मसाला, दो मैगी थी तो 2 मैगी का पड़ी के डाल रही हूँ मैं मसाले की। मत मिला देंगे। मैंने ये 3 जनों के लिए बनाया है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। हरा धनिया डाल दूंगी, तवा मसाला मैगी बनके तो रेडी हो चुकी है, बैगन वाली। चलिए सर्व करते हैं। मैंने बढ़िया सा एक तवा लिया है, इसके अंदर हम बैगन तवा मसाला मैगी निकालूंगी। मित्रों कौन बोलता है मैंने बैगन डाला है, बच्चों तो एकदम आसानी से ये खा लेंगे। एक बार बच्चों के लिए जरूर से बनाना, बच्चों को हेल्दी और टेस्टी चाहिए, इसलिए आप हेल्दी मम्मा बना सकती है। तो देखिए इस मम्मा ने बना दिया है हेल्दी के साथ साथ टेस्टी। थोड़ी सी हरी प्याज डाल दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया। ये आ गया हमारा चम्मच, देखिए हमारी डिश रेडी हो चुकी है। मित्रों आप देख सकते हो मैंने अच्छे से सजा के रेडी कर दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके मित्रों, बाय बाय मित्रों।